तो फाइनली चूड़ियाँ दिख गई हैं हमारे को और अब हम ले रहे हैं। तो नहीं, ये मैं पहली लेके आई थी, दो तो आई, एक दर्जन लिए, छह इसमें छह इसमें। तो गाइस कोमल कपड़े धो के चली गई है और आज जल्दी चली गई है क्योंकि उसको ये 12:30 बजे तक मेरे घर का आज काम निमट चुका है। देखो 12:30 बज रहे हैं और बारिश हुई है, तो रात को तो मुझे बोल रही थी तो उनने अंदर ये रस्सी लगा दी है, मैं आपको दिखा पा रही हूँ, तो ये देखो और अंदर रस्सी लगा दी और ये दो पैंटें भी छोड़ के चली गई है क्योंकि उसको स्कूल जाना था बच्चों को लेके। और आज सारा घर का काम निमट चुका है, सारा पानी वो यूज़ कर लिया है और अब 1 बजे पानी आएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आप भी सोचा नहीं था कि मैं आपसे फेस टू फेस बात करूंगी, पर मैंने कहा मैं दिखा दूं कि आज मैंने कोमल से बोला था तेल लगा दे क्योंकि सर मैंने बहुत खारिश हो रही थी, खुजली मची थी और पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं इंदू लेकर शैम्पू यूज़ कर रही हूँ तो शायद उसकी वजह से भी मेरे को इरिटेशन हो रही है, तो दोनों साइडों में, तो उसने इतना तेल डाला है ना मेरे सर में। और अब बस मैं भी नहाने के लिए बैठी हूँ, देख लो मुझे वेट करना पड़ता है, 1 बजे तक पानी आएगा तो मैं नहाऊंगी और तो नहा लेती हूँ और ये काम हम करूंगी तभी मिलूंगी मैं आपसे। गाइज कितनी देर से वेट करी थी, आधे घंटे से वेट करी थी कि पानी आएगा और 1:05 ही हुए थे। उफ गर्मी, 1:05 हुए थे, मैंने मोटर ऑन करी है और लाइट चली गई है, पानी तो गुस्सा आ रहा है, मैं कह रही मोटर चलाई थी एकदम आवाज बंद हो गई, देखा तो लाइट। अब गाइज लाइट आ गई है, अब भी आई है, पूरे 15-20 मिनट वेट करा है मैंने। और तो गाइज नहाकर आ गई हूँ और बाल भी सुखा लिए मैंने और अभी कपड़े सूखे नहीं है, आधे से ज्यादा कपड़े बाहर हैं, पर मुझे गर्मी बहुत लग रही थी। नहाने के बाद ना बाल गीले होते हैं, फिर हम जो तेल वगैरह लगाते हैं ना तो उसमें थोड़े से ना एकदम पसीने आ रहे थे मतलब लगाने के बाद, तो फिर मैंने कहा चलो दरवाजा बंद कर लेती हूँ, तो मैंने एसी ऑन कर लिया है और अभी कपड़े बाद में उतार लूंगी और अभी मैं नीचे नहीं जा रही क्योंकि अभी धूप है और मेरे बस करनी है कि दोबारा वापस गर्मी में और पसीने में वह ऑलरेडी इतना हुए और बाल अभी मुझे थोड़ा स्मूथ लग रहे हैं क्योंकि ऑयल कर लगाया था मैंने और थोड़ा जो खारिश हो रहा था वो पता नहीं क्यों हो रहा है। एक्चुअली मैं दही भी लगाती थी सर में, नींबू और दही मिला के ना लगा लेती थी और गाइस काफ़ी दिनों से ना मेरे नाखूनों में पेन हो रहा है और इतने दिनों से मेरे नाखून बढ़ भी नहीं रहे हैं, नज़र लग गई है, इतने 1 हफ्ता हो गया मेरे को, ये साइड जो होती है ना दोनों ये जो साइड होती है इनमें पेन हो रहा है, तो आज मैं सोच रही हूँ, मैंने आज ही सोच रही हूँ कि नेल पेंट लगा देती हूँ और अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास, कुछ काम करने को है ही नहीं, कपड़े सूख जाएंगे उसको अंदर कर दूंगी, शाम को खाने में बहुत टाइम है, अभी नीचे जाऊँगी मार्केट तो चूड़ी पूरा दिन तो निकल जाता है, पहले उससे पहले नेल पेंट लगाती हूँ और अभी मैं लगा रही हूँ फालसे कलर होता है ना, फालसे कलर यूज़ कर रही हूँ नेल पेंट का, वैसे मन नहीं है जिस हिसाब से नाखूनों में पेन हो रहा है मेरे, अभी मैंने ऑयलिंग की थी इसकी, ऑयल लगाया था इसके अंदर नारियल का, बट अब तो हाल का टाइम चल रहा है तो ऐसे नाखून भी रखना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं नेल पेंट लगाती हूँ, पहले कर लेती हूँ फैन ऑफ, कभी भी नेल पेंट लगाए ना गाइस तो इसको पंखे को बंद कर लेना चाहिए वरना सारा नेल पेंट खराब हो जाता है, तो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, ऐसा कलर आया है ये आई थिंक फालसे कलर होता है ना, आपको दिखा पा रही हूँ, तो ये फालसे कलर है, तो ये वाला शेड लगाया है मैंने, अभी लेकर आई हूँ, 4-5 शेड लेकर आई थी, तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो गाइज मैं और सिस्टर आ गए थे मार्केट के अंदर चूड़ी वाले की दुकान ढूंढने, दो शॉप बंद मिली हम दोनों को और अभी एक बहन और आ रही है, अगर उसके टाइम तक दुकान खुल जाएगी तो ठीक है। और ये देखो अपने थोड़ा सामान हमें केमिस्ट की शॉप से लेना था और इवान ये रहा, साथ में हम लोग घूम रहे हैं, घूम के रहे हैं चूड़ी के लिए ढूंढ रहे हैं, देख लो आप कहते हो त्योहार आजकल बचे ही नहीं है, सामान मिलता ही नहीं है और इसके लिए स्पेशली चूड़ी के लिए मार्केट हम जाएंगे नहीं, हम यहीं से ले लेंगे ना, है ना, और बहुत देर हो गई, हमें जन्मष्टमी के कपड़े बाद में लेकर आएंगे, पहले चूड़ियाँ तो देख लें आज। तो फाइनली चूड़ियाँ दिख गई हैं हमारे को और अब हम ले रहे हैं, तो वर्षा को बुला ले जल्दी से, तो दिखा दो मुझे इसमें यही कलर है बस और ये देखना दो चार है ना मेरा, तो ये डार्क कलर नहीं, रेड नहीं लूंगी, हरी हरी चूड़ी पहनेंगे, अच्छा मैंने ये वाला नहीं, इसे को अंशु वो कह, अंशु ये डिजाइन देख, ये भी ठीक है, इसमें रेड कलर भी आ रहा है, तो अभी इन पे है नहीं, सारा निकल गया क्योंकि जब सुबह मॉर्निंग में शॉप खुली होगी तो हम तो अब शाम को आए हैं, तो अब हम ये वाले ले रहे हैं, इसको दे दे इसको,
चांदी तुम खुद आपने थोड़ा दो साइड नहीं है करके हां आ जाएगा पर थोड़ा सॉफ्ट लोशन लगा लेना ना ये पन्नियां तो थोड़ी काट आपने खरीदी नहीं पन्नी नहीं ये मैं पहले ही लेके आई थी तो आई ऐसे भी आई जाती कोई क्रीम नहीं है हां टाइट है बस करो नहीं देख थोड़ी क्रीम लगा लेती मैं चढ़ा लेना दो चाय चढ़ा लो फिर घर पे क्रीम लगा के चढ़ा लेना मेरी माँ ने तो मैंने बस एक दर्जन लिए छह इसमें छह इसमें और सब जगह थोड़ी थोड़ी पहनने क्योंकि राखी फिर चेंज भी करनी है हमने तू लेने भी लगी मुझे भी लगी तू भी आ जाती है तो अभी ये लोग पहन ले और एक ही डिजाइन ले रही है क्या चेंज कर लिया डिजाइन हाँ ये इसमें इसमें ना थोड़ा कटवर्क देखो कहीं से मैंने लिया ना कटवर्क का भी काम आ रखा और सारे जो है ना वो फिर दूसरे डिजाइन है जो पहले के हैं ये भी ढीली लग रही है टाइट ले थोड़ी सी मतलब कि ज्यादा ढीली मत ले और तू कौन सी ले रही वर्षा यही वाली तो हम तीनों बहनों ने सेम ली है और ये भी कह रही है तेरे को भी चाहिए उसको हटा ये देखो चूड़ियाँ पहन ली हम लोगों ने अब राखी के लिए अलग से बाद में ले लेंगे बट आज हमने थोड़ा सा मन कर रहा था बहनों का पहन ले और बस चूड़ी पहनने के बाद मैं चली जाऊंगी घर पे और ये इसको ट्यूशन छोड़ने आती है यहाँ पे वर्षा तो और फिर ये घर जाएंगे अपने और मैं अपने चली जाऊंगी तेरे कड़े सुंदर थे हाँ कड़े बहुत सुंदर है ये वाले कड़े लेकर आई थी अंशु अलग से उसका डिजाइन दिखाइयो हाँ यार देख कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है यार अरे मम्मी के जाने के मारे कड़े लिए थे उन्होंने पहले बोल दिया था तो लोग चले जाएंगे घर के लिए चल ठीक है जा और मैं भी जा रही हूँ मेरे घर के नीचे शॉप थी वाली और ये ट्यूशन के लिए जाएगी और हम लोगों ने चूड़ियाँ पहन ली हैं और मेरा पैर चला गया कीचड़ में और पसीने देख लो कितनी बुरी हालत हो गई पसीनों में चलो बाय बाय तो गाइस आ गई हूँ घर पे आ गई हूँ क्योंकि रास्ते में है उनका मुझे फोन आ गया था वर्षा भी आई हुई है तो हम लोगों ने सिर्फ छह छह चूड़ियाँ पहनी मतलब कि एक एक दर्जन ली है और सेम ही कलर लिया है सेम कलर लिया है और अभी राखी पे भी चेंज करनी है और मेरे साथ में आन ली थी तो उन्होंने पन्नी चढ़ा के करी क्योंकि ज़्यादा लूज चूड़ी नहीं मतलब कि अभी सर्फ या साबुन से मतलब सर्फ कैसे और यार लोशन या से सर्फ लगा के तब चढ़ती छह छह चूड़ियाँ पहन ली हैं हरियाली तीज पे तो गाइज़ ये भी घर में आ चुके हैं और रास्ते में फ़ोन आ गया था वरना मैं अंशु के पास जाके थोड़ी देर बैठती चाय वाय पीती पर अब इनका फ़ोन आ गया था कि अब भूखे आते हैं ये इतनी बड़ी मार्केट में रहते हैं वहाँ कुछ खाते ही नहीं है जब भी आएंगे भूख लगी आते ही ये देखो कैसे तो गाइज़ मैंने अपना चाय भी अपनी भी लिए भी चाय बना ली फिर मैंने इनका समोसा मैंने रुका ही खा लिया था और अभी ये कह रहे हैं मैं मंदिर नहीं जा रहा क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है आज कह रहे हैं मंदिर नहीं जाऊँगा और चलो ठीक है तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तब तक के लिए बाय ध्यान रखिएगा अपना